हेलो गाइस, तो आज आ गए हम नई वीडियो के साथ। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग कुछ रस गेम प्ले दिखाने वाले हैं, मतलब कुछ काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाने वाले हैं, जो कि हम लोग जॉर्जा पुल में कूद रहे हैं, क्योंकि प्लेन पाथ जॉर्जा पुल से ही जा रहा था। तो हॉट ड्रॉप वैसे जॉर्जा पुल ही था, पर पता नहीं, बंदे मेरे से ज़्यादा ही प्रो थे, वो जॉर्जा पुल में एक भी बंदा नहीं आता है। बस फिलहाल तो हम लोग गन लूटते हैं, लूट लाट करते हैं। अभी फ़िलहाल एक भी बंदा यहाँ कूदा, कोई भी बंदा नहीं कूदा। कमाल है भाई, जॉर्जा पुल खाली वाली जा रहे हैं, कैसे हो सकता है? सब पबजी वाले क्या कर रहे हैं? हालांकि हाँ, मेरे हिसाब से आजकल देखा जाए तो मैं काफ़ी, जब से खेल रहा हूँ तब से तो यूट्यूब के सॉरी ये पबजी वाले जॉर्जा पुल नोवो ये सब जगहों पे लूट थोड़ी कम रहती है, तो फ़िलहाल उसी हिसाब से लग रहा है फिर बंदे नहीं उतरे हैं। फिलहाल तो कोई ना, हम लोग ऐसे लूटते हैं फिर रस करने चलते हैं। सीधा रस मारेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं नहीं, सीधा रस, टोटल रस। फिलहाल तो मुझे यहाँ बंदे की साउंड आई, लेकिन फिलहाल ये बंदा कोई और नहीं था बल्कि ये बॉट था। मैं घबरा गया था, लेकिन तब भी चलो कोई तो साथ देने आया, बॉट ही सही। एक भी किल नहीं था, किल ही मिला। कोई ना, इसे K98 उठाते चलते हैं। फिलहाल तो K98 कुछ ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैं उठा लेता हूँ कभी कदार, कभी कदार ही उठाता हूँ, रेगुलर नहीं उठाता। और फिर मैं लूटते हुए थोड़ा इधर उधर बड़ा देखता हूँ, एक गाड़ी के साउंड आता है मेरे को सामने से, गाड़ी का साउंड आता है, तो मैं गाड़ी को फायरिंग देता हूँ। डैमेज काफ़ी होते हैं बंदे। फिलहाल ये बंदे क्या ही करना चाह रहे थे मुझे खुद भी नहीं पता। वापस गाड़ी मोड़ के कौन लाता है भाई, कौन लाता है ये सब गाड़ियों से, कौन लाता है भाई, इनको समझाओ भाई, कौन लाता है, ऐसा कौन करता है? फिर भाई एक प्लेयर का तुमने गवा दिया। चलो फिर हम लोग इनके ऊपर रस करते हैं सीधा। तो मुझे लगता है मेरे को थोड़ा रोटेशन करना चाहिए था, तो मैं रोटेट करके पूरा जाता हूँ। पर पता नहीं भाई कैसे, पता नहीं, मैं पूरा रोटेट करता हूँ, खुद ही देखिए, पता नहीं कैसे भाई, हमें खुद नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन आप खुद ही देखिए भाई लोग कैसे, मुझे भी नहीं पता चला कैसे हुआ। मैं इधर से रोटेट करता हूँ, पूरा राइट राइट से जाता हूँ, पर बंदे कुछ ज़्यादा ही प्रो निकलते हैं ब्रो, मेरे से ज़्यादा ही प्रो निकलते हैं, मेरे से तो पक्का प्रो होते हैं बंदे, मेरे ऊपर रोटेशन करते हैं। फिर क्या, मैं भी जाता हूँ उनके पीछे पीछे, मुझे लगा था यहीं होंगे, होल्ड किए होंगे, लेकिन मैंने फिर ध्यान दिया कि वो बंदे मेरे पर रोटेट कर गए हैं, मैं उन पर रोटेट कर गया हूँ। हॉच पॉच। फिलहाल तो मुझे लगा, पहले पहले तो मुझे लगा कोई बंदा नहीं, भाग गया क्या, पानी वानी से निकल गया। फिर मुझे थोड़ा लगा कि बंदे शायद उस साइड में जहाँ से मैं आया था वहाँ से रोटेशन कर गए होंगे, तो मैं वहाँ जाता हूँ जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई ये स्मोक का करो, पबजी वालों कुछ करो, इतना स्मोक मत दिया करो यार, बंदा दिखाई नहीं, बंदे दिखे ही नहीं मेरे को, कब मेरे पे रस कर गए बंदे। फिलहाल तो हम लोग इन पे, अब हम लोग क्या, हम ही क्या अकेले खेल रहे हैं सोलो स्क्वाड, तो हम ही रस करते हैं। और मुझे साउंड आता है, थोड़ा सा साउंड आता है वेयर हाउस में कि बंदा है, तो मैं अपनी K98 रिलोड कर लेता हूँ, का क्या है अगर बाई चांस एक गेम पे एमओ ख़त्म हो जाए तो अपनी K98 तो जिंदा है। ओपी भाई, K98 ओपी बोलते। हाँ मेरे को दिखता है बंदा, अरे भाई टकला टकला दिखा, अरे थोड़ा टकला, इसका टकला फोड़, अरे बेबी लो, अरे बेबी लव, लव यू ब्रो, लव यू, लव यू ब्रो, लव यू, पहले से तेरे को लूटता हूँ अच्छे से, तभी मेरा काम बनेगा, वरना K98 भाई सॉरी यार, दो दो K98 थी, एक जो छोड़ी मैंने, और ये भाई साहब तो अल्ट्रा प्रो निकले, मतलब कैसे रस कर रहे हो भाई, कैसे ख़त्म भाई। और मैं यहाँ इसको ऑर्डर करता हूँ, मैं जाने लगता हूँ जॉर्जा पुल से, फिर मेरे को एक गाड़ी का साउंड आता है, ये गाड़ी का साउंड, तो मैं उसे फायरिंग देता हूँ। फिर मेरे को लगता है मैं ज़्यादा ओपन जा रहा हूँ, तो मैं फाग के वेयर हाउस जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था बंदे मेरे को मारना था, क्योंकि स्पीड ज़्यादा था और कवर भी कम था, तो मैं यहाँ जाता हूँ। पहले तो मेरे को लगा कि ये पहले बॉट है, फिर मैंने सोचा गाड़ी तो बॉट चलाते नहीं है, फिलहाल तो ही, फिर मैं फिर रुक गया, मैं कहा रुको थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर मैं स्कोप खोल के देखता हूँ तो मुझे बॉट दिखता है, पता नहीं बॉट था कि क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक बंदा दिखता है उसी के सामने, मैं पहले इसको फिनिश कर देता हूँ, वरना एक किल मेरा कहीं चला जाएगा, बॉट था, बहुत साला हर चीज़ मेरे को डरा दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो बंदा भी शायद आ जाए तो मेरे को वो समझे,
दिख गया था क्या ना, रणजी भाई कुछ थे, मुझे शक हो गया, मुझे लग गया ये दोनों बंदे एक ही टीम के थे। फिर मैं जाता हूँ कोचिंग की, उन बंदों को मार के मैं कोचिंग की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि कोचिंग की उसके बाद मेरे को कोचिंग की सही लगा जाने के लिए। कोचिंग की मैं पहुँचता हूँ, मैं तो सोच चर्च पे रुकूँगा आराम से मस्त, लेकिन देखा चर्च पे पहले से ही फाइट हो रही थी भाई, मेरी तो वाट लग गई भाई, चारों कोनों से मेरी फाट लगे। कोई ना, सबको देख लेगा, सबका बदला लेगा, बाप का, दादा का, दादी का, सबका बदला लेगा फजल हो भाई। भाई ये भाई भाई ये आजकल के पॉड के कैसे कैसे नाम लिखते हैं, निकिता 18 भाई, कतई निकिता को मैंने मार के मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि लड़की को मारा, हालांकि लड़की के पगे उठा हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पबजी में सब उठाना चाहिए, सब उठाना चाहिए, लड़की को भी उठाना चाहिए। नहीं भाई ये सब गलत है, लड़की को नहीं, पबजी में सब कुछ जायज़ है, बाहर नहीं, पबजी में ही जायज़ है भाई, बाहर सब नहीं भाई ये सब। अभी फ़िलहाल तो एक और बॉट आ गया, फिलहाल इन लोगों की फ़ाइट हो रही थी होती तो मैं काफ़ी देर तक यहाँ होल्ड किया, बताओ कि कब बाहर आए, कब बाहर आए, कब बाहर आए, कब बाहर आए भाई, कब बाहर 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 आ जा, बाहर आ जा, नहीं आते हैं बंदे, बंदे कहते हैं हमको आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, तुम प्रो बन रहे हो, हम नहीं आएंगे। काफ़ी देर तक वेट करता हूँ कि ओपन में आ जाए, लेकिन फिलहाल एक बंदा ओपन में आता है, एक बंदा ओपन में आता है भाई, बहुत खुशी हुई, आँख से आंसू निकल आते हैं मेरे तो, आँख से आंसू निकल आते हैं। बंदा जब आता है, इसको मैं कैसे कहना चाहूँ भाई, तुम बड़े हैं एकदम, अबे निकलेगा, अच्छा निकलने वाला ही है वो, आगे दिखा 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 मेरे को, एक बंदा दिखता है मेरे को, मैन इन ब्लैक पार्ट 3 का लगता है, क्योंकि दोनों मतलब एक के काले कपड़े पहन के भाई साहब प्रोनेस दिखाए थे, तो इनको नॉक करता हूँ भाई। रूपाली, ए रूपाली, ए रूपाली, पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली भाई, रूपाली को टोका बजाया। फिलहाल मैं इसको नॉक कर देता हूँ, फिर दूसरा इसका टीममेट आता है, उसको भाई क्या ही प्रोनेस, मेरा इस पर हक दिया मैंने, एकदम हक दिया, टट्टी कर दिया मैंने पूरा स्प्रे का। मैं कहता हूँ चल तो इनके पर रस करता हूँ, अब सीधा जाता हूँ भाई, एकदम मस्त रस करने के मूड से, एकदम पूरा रस भाई, एकदम पीरो बंदा, एकदम पीरो बंदा के रस की तरह जाता हूँ भाई, कि मैं आज तो ख़त्म ही कर दूँगा। फिलहाल नींद निकालता हूँ, लेकिन प्रो बंदा ज़्यादा ही प्रो था, नीचे आ गया भाई, कहाँ जा रहे हो, आ गए प्रसाद लेके जाओ, है प्रसाद लेके जाते नहीं साले, बाबा का प्रसाद। और भाई ये तो सुपरमैन, सुपरमैन सलमान द फैन, रूपाली ओपी, ए रूपाली, ए रूपाली, पकड़ मेरी डॉली, ए रूपाली भाई, रूपाली को मारा, गलत ही मारा भाई, गलत गलत बोलते हैं, हिल करके भाई हम लोग निकलते हैं सीधा जोन की तरफ, जो कि जोन बनता है हमारा गट का साइड, गट का साइड जोन रहता है, तो मैं गट का ही जा रहा होता हूँ, गट का ही जाता हूँ भाई, क्योंकि मैं चाहिए सी बात है, जब जोन में तो जो मुझे हॉट ड्रॉप लगेगा वहीं जाऊँगा, और कहीं कहाँ जाऊँगा, मैं गट का ही जा रहा होता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे मिलते ये बंदे, काफ़ी गाड़ी रोकता हूँ भाई इसको, पहले से पहले तो एक खिड़की वाले को नॉक डालता हूँ, और बाद में ये भाई बंदा कतई ही अच्छा पड़ा था, क्योंकि इसकी गवली वन टैप के रह गई थी, मैं इसको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं इस बंदे को इतना मारने बिजी हो गया कि वो बंदा बाहर निकल आया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसका वन टैप होके रह गया, वन टैप होके रह गया, और मैं बच जाता हूँ यहाँ पे। इसको फिनिश करता हूँ, सामने एक फुटप्रिंट आता है दूसरे बंदे का, तीसरे बंदे का, इनका दो बंदे तो मैंने वैसे भी नॉक कर दिए होते, तीसरे बंदे को भी मैंने फिनिश डालता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, निकलता क्या हूँ भाई, अब खुद ही देखेगा कैसे कैसे बंदे, कैसे कैसे बंदे भाई मार खाते हैं यहाँ पे, आप खुद ही देखिएगा, देखिएगा अभी एक बंदे दिखेंगे आपको भाई, क्या ही बंदे होते हैं भाई, आप खुद ही देख के मज़ा आ जाएगा भाई लोग आपको। मैं जा रहा हूँ तो मैं सोचना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ बंदे दिखते हैं भाई, हम तो कहते हैं यार इनको ही प्रसाद दे के चलते हैं, फिर मैं इनको एक को नॉक डालता हूँ, दूसरा बंदा भागने लगता है, क्योंकि इसको भागना होता है ना। हाँ मैं इस बंदे को अंधा स्प्रे देता हूँ, और कलेक्ट हो जाता है मेरा स्प्रे, और ये नॉक हो जाता है, फिर मैं डायरेक्ट रस डालता हूँ भाई, अंधा रस, अंधा रस बोलते हैं, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे मैं सीधा रस डाल देता हूँ, मतलब रस कर देता हूँ डाल भाई, कहाँ डालूँगा यार, सॉरी भाई चांस भाई, गलती से इधर उधर निकल जाता है,
माफ़ करना, कल गुस्से में इधर उधर निकल जाता है, उनके ऊपर रेस्ट डालता हूँ। फिलहाल तो मैं फिर पहले सोचता हूँ दो ही बंदे होते हैं, लेकिन फिर कोई आता है दो बंदे गए बग्घी बैठे रहते हैं और यहाँ पे दो बग्घी खड़ी हुई हैं, तो मुझे पता चलता है तीसरा बंदा भी यहीं के आस पास लेटा हुआ है, सांप बना हुआ है पी लाइक अ प्रो। मैं इसको स्पॉट कर लेता हूँ, घास में छुपा हुआ था, काफ़ी प्रो बंदा था, घास में छुप के मेरे को मारना चाह रहा था, लेकिन कोई ना, मैं भी इनसे कम थोड़ी ना हूँ। हैं तो फिर मैं थोड़ा लूट लाट करता हूँ, क्योंकि लूट लाट आते हैं, थोड़ा लूट कट करता हूँ। फिर मैं पग्गी से निकलता हूँ, यहाँ भाई मेरी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि मैं ओपन में रोकता हूँ, तीन बंदे मेरे को पीछे देखते हैं, और ये बंदा तो मेरे को खा ही जाता, भाई खा ही जाता इसको भाई, तो एकदम गुस्से से आया था। तीन बंदे ओपन में लेटे होते भाई, क्या ही बंदे होते हैं। एक बंदा मेरी छत पे होता है, मेरी ऊपर छत, ऊपर वाली छत पे, ऐसा पता नहीं कैसे चढ़ेगा ऊपर वाली छत पे, तो मुझे उससे बहुत डर लग रहा था कि वो कब मार दे कुछ पता नहीं चल रहा था। सबसे डर तो ये ऊपर ही वाले को लग रहा था जो मेरे छत के एकदम छत पे बैठा हुआ है। फिलहाल तो वो बंदा खिड़की से देख रहा होता है, थोड़ा डर मत देता हूँ, फिर इस तरह वो निकल जाता है, बच जाता है। फिर मैं भी थोड़ा बचाने की कोशिश करूँगा, इसको नॉक डालता हूँ ऊपर वाला बंदा। भाई ऊपर वाले बंदे तो मारना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने रेड बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, ये रेड बिल्डिंग में जाता हूँ। तुरंत जैसे ही रेड बिल्डिंग में जाता हूँ, बंदा कूद के मेरे को पीछे आने लगता है, मैं भी ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ भाई। फिर मैं थोड़ा देखता हूँ कि बंदे आ गए, फिर भाई भाई लैग देखिए कि भाई लैग भाई, तो मैं बच गया बंदा भाई, ख़त्म ही था भाई, के पास से बच गया भाई, हाँ उनकी कृपा, कहीं बस गया भाई। यहाँ पर एक और बंदा, दो बंदे मेरे को स्पॉट होते हैं, जो एक बंदा झोपड़ी के अंदर होता है और एक बंदा मेरे नीचे टहल रहा होता है भाई, नीचे टहल रहा होता है। तो मेरे को कल डाउट हो रहा था बंदा को लोकेशन नहीं पता चल रही थी एग्जैक्ट, लेकिन मुझे मन कर रहा था बम नेट डाल दूँ, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी बहुत लोकेशन स्पॉट होती है, फिर मैं लोकेशन पता चलती, तो फिर यहाँ पे इसको लोकेशन थोड़ा मुझे लगता है कि यहीं पे ही है, तो मैं देखता हूँ नीचे तो मुझे दिख रहा होता है, तो मैं इस पर जंप करता हूँ। अरे मैं फिनिश करने डालता हूँ, क्योंकि मुझे फिनिश करने की आदत है, मैं एक बंदे को नॉक करके कभी छोड़ता नहीं हूँ, अक्सर अगर उसको फिनिश करने का मौका मिलता तो फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल एक बंदा यहाँ पे क्या ही पीक ले रहा था, बेटा ऐसे कैसे बचाओगे हमसे, हम ही प्रो हैं, हम ही खिलाड़ा हैं, लेकिन भाई बंदे को देखिए, 10 HP छोड़ दिया मेरे को भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब सब पे क्लिक कर दीजिए, रेड वाला बटन प्रेस होना चाहिए। हे गाइस, तो लास्ट में इस बंदे को मैंने स्पॉट कर देता हूँ और नेट से इसको फोड़ देता हूँ।